हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ द चैप्टर रैशनल नंबर्स, जो कि क्लास एट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, ये तीन टाइप के नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, देखो x प्लस टू इज इक्वल टू 13, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे वेरिएबल है x, उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हुआ है वो है 2, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमको मिलेगा 13। तो ये एक इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 2 मतलब 11। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक नेचुरल नंबर चाहिए जो कि 11 है, जो नेचुरल नंबर है जो हमको चाहिए यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो है 11। तो नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। लेकिन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब जो नंबर्स है इन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। आपको ये समझना होगा और ये याद करके रखना होगा कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो है 1। और देखो एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सब नंबर्स आते जाएंगे। और नेचुरल नंबर जब हम मतलब बड़े नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो जो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो हमको नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी उसके बाद दूसरा देखो, एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ये लिनियर इक्वेशन है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 5, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको पुट करना होगा x का वैल्यू 0। 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, 0 आता है होल नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो है 0, उसके बाद 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नेचुरल नंबर्स भी है। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। और 0 के साथ बाकी सब जो नेचुरल नंबर्स है उन सब नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट आएगा 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। अगर हम नेचुरल नंबर्स देखते जाएंगे तो हमको मिलता जाएगा नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स कभी खत्म नहीं होता। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ natural numbers, and also we cannot calculate the total number of whole numbers, but the smallest whole number is 0. उसके बाद हम देखते हैं एक ऐसा equation जो कि natural numbers से भी solve नहीं होता और whole numbers से भी solve नहीं होता। ऐसा equation क्या है, देखो x plus 18 is equal to 5, x plus 18 is equal to 5, ये जो equation दिया हुआ है अगर इसको हम solve करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x is equal to 5 minus 18। अगर 5 minus 18 करेंगे, मतलब 5 से 18 को subtract करेंगे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, minus 13 मिलेगा। अगर minus 13 मिलता है, ये minus 13 natural number भी नहीं है और ये minus 13 whole number भी नहीं है, तो ये कौन सा number है, ये जो minus 13 है ये एक ऐसा number है जिसको हम कहते हैं integer। ठीक है, जो negative numbers होते हैं उनको हम integers कह सकते हैं। जैसे कि देखो हमको तो होल नंबर मिल गया 0, 1, 2, 3, ये सब होल नंबर्स हैं, और ये 1, 2, 3 इन सबको हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। लेकिन इंटीजर हम किसको कहेंगे, इन सबको इंक्लूड करके जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 का नेगेटिव हो गया -1, 2 का नेगेटिव हो गया -2, 3 का नेगेटिव हो गया -3, 0 का कोई नेगेटिव नहीं होता, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, 0 नेगेटिव भी नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। Which number is not positive, neither positive nor negative? That number is 0. 0 is neither positive nor negative.
अब जीरो इंटीजर है, वन इंटीजर है, टू इंटीजर है, थ्री इंटीजर है, उसके साथ साथ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, ये जो नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स, इन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, और जो वो नेगेटिव इंटीजर है वो है क्या, माइनस थर्टीन। तो तीन टाइप के इक्वेशन हमने देखे, फर्स्ट वाला जो हम नेचुरल नंबर से सॉल्व कर सकते हैं, जो नेचुरल नंबर से, जिस नेचुरल नंबर से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो है 11। उसके बाद आ गया यही इक्वेशन जहां पे हमको x का वैल्यू जीरो लेना होगा, जो कि एक होल नंबर है, तो जीरो लेने से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरा वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन जिसको सॉल्व करने के लिए हमको x का वैल्यू चाहिए माइनस थर्टीन, अगर x का वैल्यू माइनस थर्टीन से अलावा और कुछ अलग नंबर दे देते हैं तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, और जो नेगेटिव इंटीजर है माइनस थर्टीन। अब समझ में आ गया ये। उसके बाद देखो दो इक्वेशन ऐसे हैं जिनको हम नेचुरल नंबर से भी सॉल्व नहीं कर सकते, होल नंबर से भी सॉल्व नहीं कर सकते, और जो इंटीजर्स हैं इंटीजर्स से भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसा नंबर क्या है, सो ऐसा इक्वेशन क्या है, ये देखो 2x माइनस थ्री एंड 5x प्लस सेवन। तो 2x माइनस थ्री जो इक्वेशन है, सॉरी 2x इज इक्वल टू थ्री, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये जो x के साथ दो मल्टीप्लाई हुआ है वो जो दूसरे साइड में हमको डिवाइड करना होगा। तो x के साथ जो दो मल्टीप्लाइड है वो दो अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो समझ में आ गया। अब ये थ्री बाई टू ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, और ये इंटीजर भी नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसका डेफिनेशन तो बाद में आ जाएगा, अभी आप बस एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या है रैशनल, ये जो थ्री बाई टू है वो है रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब 5x के साथ 7 ऐड है यहाँ पे, तो वो दूसरे साइड में जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 से अगर 7 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो हमको वहां पे मिलेगा माइनस 7। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो ये 5 जब राइट साइड में जाएगा तो वो वहां पे क्या होगा, एस डिविजर जाएगा, तो वहां पे माइनस सेवन है, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, मतलब माइनस सेवन बटे फाइव, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला 2x इक्वल टू 3 और 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन को हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से सॉल्व नहीं कर सकते। अब इनका जो सॉल्यूशन मिला है, मतलब x का जो वैल्यू मिला है, वो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमको चार टाइप के नंबर्स मिले यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है होल नंबर, तीसरा वाला क्या है इंटीजर, और चौथा वाला क्या है, चौथा वाला है रैशनल नंबर, जिसकी बात हम लोग इस चैप्टर पे करेंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले होल नंबर्स का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी दिया हुआ है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है उसको समझने के लिए हम बात करेंगे दो ऐसे होल नंबर्स की, जो कि है एक दो और दूसरा वाला है तीन, दो होल नंबर है। प्रॉपर्टी अब एडिशन ऑपरेशन पे भी होगा, सब्ट्रैक्शन पे भी होगा, मल्टीप्लिकेशन पे भी होगा, और डिविजन पे भी होगा। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता वो हमको देखना होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता वो हमको देखना होगा। अब ये जो दो और तीन है उन दोनों को अगर ऐड करेंगे, क्योंकि दो होल नंबर्स हैं, पहला वाला भी होल नंबर है, दूसरा वाला भी होल नंबर ही है, दो होल नंबर को ऐड करके अगर हमको होल नंबर मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि जो होल नंबर्स है दे ओबे
द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ एडिशन, मतलब एडिशन ऑपरेशन जो है, एडिशन ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे अगर होल नंबर्स पे, तो हमको एक होल नंबर ही मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स ऑबे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन पे देखो, एक फाइव है, दूसरा है सेवन, फाइव है दूसरा है सेवन, फाइव से अगर सेवन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको माइनस टू मिलता है, और ये जो माइनस टू है ये होल नंबर नहीं है, फाइव एक होल नंबर है, सेवन एक होल नंबर है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट ही करना होगा ना। अब फाइव माइनस सेवन अगर हम करते हैं तो हमको वहाँ पर मिलता है माइनस टू, और ये माइनस टू जो है वो एक होल नंबर नहीं है, तो हम लोग इसीलिए कहेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, और वी कैन से दैट होल नंबर्स डू नॉट ऑबे द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब किसी भी होल नंबर से, किसी भी होल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको वहां पे होल नंबर मिलना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर्स ऑबे द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, बट हमको यहाँ पे नहीं मिला। सेवन माइनस फाइव हम करेंगे तो मिल जाएगा, सेवन माइनस फाइव करेंगे तो दो मिल जाएगा, लेकिन फाइव माइनस सेवन करने से भी हमको दो ही मिलना चाहिए, मतलब एक होल नंबर मिलना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑबे हुआ है। लेकिन फाइव माइनस सेवन करने से हमको क्या मिलेगा, माइनस टू मिलेगा, और ये माइनस टू होल नंबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स डू नॉट ऑबे द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ, इसके जो बाद का क्लास होगा तो वहां पे हम लोग और डिटेल्स में इन सब नंबर्स की बात करेंगे, और आप लोगों को ये जो चैनल है, अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।